तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसे सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूँ 110%। ये सीक्रेट ट्रिक अभी तक आपको नहीं पता होगा। अगर आप यहाँ पे व्हाट्सएप यूजर हो तो डेफिनेटली आपको वीडियो एंड तक देखना चाहिए, तभी आपको ये सीक्रेट ट्रिक पता चल पाएगा। 5 ऐसे ट्रिक, हिडन ट्रिक पता चलने वाले हैं। डेली यूजर्स में आप इस ट्रिक को अप्लाई करके बहुत ही ईजिली व्हाट्सएप चला सकते हो। साथ ही साथ एक ऐसे सीक्रेट ट्रिक बताना हो डेफिनेटली अभी तक आपको नहीं पता होगा। बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे ट्रिक बता रखे हैं, बट वो ट्रिक सिंगल ऐसा ट्रिक है जो अभी तक किसी भी वीडियोस में नहीं बताया गया है। तो दोस्तों ट्रिक आप सभी को बताने के लिए, प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए सिंपली मुझे आपको साइड में स्क्रीन शो करना पड़ेगा। तो गाइस प्लीज आप वहां पे ध्यान दीजिए। तो गाइस पहला ट्रिक रहने वाला है फ्लोटिंग कीबोर्ड। जैसे कि अगर आप नॉर्मली यहां पे किसी भी सेक्शन में टैप कर देता हूं, किसी भी चैट पे टैप कर देता हूं, अगर आप यहां पे देख सकते होंगे नॉर्मली एक सेट, एक जगह पे सेट आपका कीबोर्ड। अगर आप चाहते हो कहीं पर भी आप ले जाना, आप स्लाइड कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज एरिया कर सकते हो एक अपने कीबोर्ड के लिए। तो गाइस उसके लिए आपको सिंपली करना क्या पड़ेगा, यहां पे आप देख सकते हो ओपन है हमारा कीबोर्ड। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हो माइक के बगल में एक ऑप्शन अवेलेबल है 3 डॉट का। तो गाइस सिंपली आपको इस पे टैप कर देना है। गाइस यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लोटिंग का। तो गाइस सिंपली जब आप इस पे टैप करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो हमारा कीबोर्ड अब कहीं पर भी हम लेके जा सकते हैं। आप कहीं पर भी अपने हिसाब से कस्टमाइज एरिया कर सकते हो, कहीं पर भी आप सेट कर सकते हो। अगर आप वन हैंडेड फील लेना चाहते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप राइट साइड की तरफ नहीं यूज कर पा रहे हो, अगर आपको पे छोटा करना है, तो आप इसी तरीके से फ्लोटिंग ऑन करके आप इजीली इस सेटिंग को ऑन कर सकते हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं दूसरे ट्रिक की, जो कि जबरदस्त होने वाला है। अगर यहाँ पे आपको किसी को भी शेयर करना हो तो अपना वॉइस रिकॉर्ड फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ऑन करते हो, और ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देखो डायरेक्टली हम बात करते हैं तो उनको बताते रहते हैं, अगर इसको आप शेयर करते हो डायरेक्टली आप शेयर हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे अपना चेकआउट करना है, दोबारा से अगर देखना है कि आपने सही बोला है या नहीं बोला, या फिर आपको अपना वॉइस खुद से सुनना है तभी उसके बाद आपको शेयर आउट करना है, तो आप इसलिए कर सकते हो। तो गाइस कैसे आपको करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे आपको माइक पे टैप कर देना है, यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर लेना जो भी आपको रिकॉर्ड करना है, जो भी आपको बोलना है आपका यहां पे इजीली रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको यहां पे सिंपली इस पर टैप कर देना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है, पॉज नहीं हुआ, इजी यहाँ पे रिज्यूम हो चुका है। यहाँ पे जो भी मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे रेड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा रिकॉर्ड कंप्लीटली हो चुका है। एक मैं आपको सुना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर लें जो भी हो। तो गाइस यहाँ पे आप देखो रिकॉर्ड हो चुका है। अब यहाँ पे आप इजीली चेकआउट कर पाएंगे, जो भी आपने बोला होगा सही तरीके से बोला तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इजीली शेयर कर पाएंगे, या फिर आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे डिलीट करना है वो मैसेज, अगर आपको नहीं शेयर करना तो आपको सिंपली डस्टबिन पे टैप कर देना है, आपका यहाँ पे सक्सेसफुल डिलीट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे शेयर करना है तो सिंपली आपको शेयर टैप पे टैप कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मैसेज शेयर आउट हो चुका है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं थर्ड ऐसे ट्रिक के ऊपर, जो कि आपको डेफिनेटली ये देखकर बेनिफिट मिलने वाला है। तो गाइस आपको किसी भी तरीके का मैसेजेस रिसीव होता है, चाहे वो इमेज जो या फिर पीडीएफ हो, तब आपका कभी कभी यहाँ पे गैलरी में सेव नहीं होता या फिर आप करना नहीं चाहते होंगे, तो गाइस आप उन मैसेजेस को या उन फोटोज को अपने हिसाब से ऑन कर सकते हो, गैलरी में सेव रख सकते हो। अगर आपको सेव नहीं रखना, अगर आपको यहाँ पे गैलरी भरने का डर हो रहा है या फिर स्टोरेज का प्रॉब्लम है, आप अपने हिसाब से उस मैसेजेस को चूज कर सकते हो कि आपको गैलरी में सेव रखना है या नहीं रखना। उसके लिए आपको सिंपली करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में 3 लाइन पे टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेटिंग का। जब आप इस पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक चैट का। तो गाइस सिंपली आपको इस पे टैप कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हम आ चुके अपने चैट सेक्शन में, चैट ऑप्शन में डिस्प्ले आ जाता है, यहाँ पे चैट सेटिंग ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो मीडिया एंड विजिबिलिटी। तो गाइस आपको सिंपली इसको ऑन रख देना है। अगर आपको यहाँ पे गैलरी में सेव नहीं करना किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट हो या फोटोज हो, तो आपको सिंपली ऑफ रख देना। अगर आपको सेव करना है तो सिंपली आपको ऑन कर देना है, यहाँ पे आपका सक्सेसफुल वहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस अब बात कर लेते हैं चौथे ट्रिक के। अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आपका ऑटोमेटिकली 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद डिसअपीयर हो जाए, मतलब आपका ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए आपका चैट, चाहे वो अपने एंड से हो या फिर जिससे भी आपने बात करा होगा व्हाट्सएप पर, वो भी आप इजीली चैट डिलीट कर सकते हो। कभी कभी आप नॉर्मली अनसिक्योर फील करते हो प्राइवेसी के लेकर, अगर आप किसी को भी मैसेज शेयर आउट करते हो, अगर आप चाहते हो कि बाद में वो डिलीट ऑटोमेटिकली हो जाए उनके चैट पर से, उनके अकाउंट पर से भी, साथ मेरे अकाउंट से या फिर आपके अकाउंट से, तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो। तो गाइस कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे सिंपली करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे राइट कॉर्नर में 3 लाइन पर टैप कर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेटिंग्स का, लास्ट ऑप्शन अवेलेबल है। तो गाइस सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा आप अकाउंट का। तो गाइस आपको सिंपली अकाउंट पर टैप कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेसी पर, सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। यहाँ पे आपको प्राइवेसी देखने को मिल जाता है लास्ट सीन। आप यहाँ पे इजीली बहुत सारे चीजें कर सकते हो इस सेक्शन से, प्राइवेसी सेक्शन से। गाइस आपको सिंपली करना क्या है, आपके यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्पेरिंग मैसेज का, डिफॉल्ट मैसेज टाइमर। तो गाइस सिंपली आपको इसको
टाइप कर देना है। यहाँ पे आप देखते हो मैंने फिलहाल में अभी ऑफ कर रखा है, अगर आपको यहाँ पे ऑन करना है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। पे तीन ऑप्शंस अवेलेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल 24 आवर्स, 7 डेज एंड 90 डेज। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, चूज कर सकते हो कि कितने दिन बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाना चाहिए। तो गाइस सिंपली आपको यहाँ पे जिसको भी चूज करना है, जितने दिन में आपको डिलीट करना है, सिंपली आप उस पर टैप कर देंगे। तो गाइस नॉर्मली मैं 24 आवर पे टैप कर देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे बैग आ जाना है। तो गाइस यहाँ पे आप दोस्तों ऑन हो चुका है हमारे यहाँ पे डिस्पेयरिंग मैसेज। अगर आपने पर्टिकुलर एक पर्सन के मैसेज को डिस्पेयरिंग करना है तो आपको सिंपली करना क्या पड़ेगा, फिर उस पर्सन के चैट पर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में 3 लाइन पर टैप कर देना है, यहाँ पे आपको डिस्पेयरिंग मैसेज का एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है म्यूट नोटिफिकेशन के नीचे। जब आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आप इजीली चूज कर सकते हो उसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं सबसे बेस्ट ट्रिक की। अगर आप चाहते हो किसी और एप्लीकेशन को यूज करते समय ऑनलाइन ना हो या फिर आपको किसी भी तरीके का मैसेज रिसीव ना हो ताकि वो सामने वाला पर्सन को लगे कि आपका व्हाट्सएप ऑफलाइन है, मतलब आपने अभी तक ऑनलाइन या फिर आपने अभी तक नेट ऑन नहीं कर रखा है। जैसे कि आप सभी को पता है अगर आप अपने नेट ऑन या इंटरनेट ऑन करके रखते हो तो डबल टिक उनको शो कर दिया जाता है। अगर आपको यहाँ पे ऑफ रखना है उसको तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फोन के सेटिंग में आ जाना है। जब फोन के सेटिंग में आ जाते हो नॉर्मली यहाँ पे मैं सर्च सेटिंग पे टैप करते डाटा यहाँ पे सर्च आउट कर लेते, अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा पे टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अनरिस्ट्रिक्ट डाटा पे मैं दुबई पर टैप कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखो बहुत सारे एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे मैं व्हाट्सएप चूज आउट कर लेता हूँ, मतलब सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर सर्च आउट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखो मैंने फाइंड आउट कर लिया, सर्च आउट कर लिया व्हाट्सएप को, सिंपली आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना है। अब आपके यहाँ पे डाटा बंद हो चुका है। अगर आप दूसरा भी एप्लीकेशन यूज करते रहे होंगे डाटा ऑन करके, चाहे वो फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो या किसी भी तरीके का, अगर आप वहाँ पे नेट ऑन करके रखोगे, नेट ऑन भी रहेगा तो उस समय आपके यहाँ पे डबल टिक शो नहीं करेगा उनको, क्योंकि आपने इनेबल ही नहीं कर रखा, आपने यहाँ पे प्रोवाइड ही नहीं कर रखा व्हाट्सएप को डाटा। डेफिनेटली आपको ये ट्रिक अप्लाई कर लेना है अगर आपको यहाँ पे सामने वाले को पता नहीं चलने देना है कि आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन या फिर आपका डाटा ऑन है या ऑफ। तो दोस्तों मैंने आपको टॉप 5 सेटिंग्स बता दिए, ट्रिक बता दिए जो कि आपको डेली लाइफ में मदद करने वाली होगी। अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको ये कंटेंट या आपको ये टॉपिक अच्छी लगी हो, इस सेटिंग या फिर इस वीडियो से मदद मिली हो तो डेफिनेटली प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के लेटेस्ट कंटेंट या फिर कह सकते हो इसी तरीके के व्हाट्सएप रिगार्डिंग इंस्टाग्राम रिलेटेड कंटेंट मिल सके ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से मदद मिली हो, इस वीडियो से जानकारी मिली हो, तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को देना सब्सक्राइब। हम आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए कुछ इसी तरीके वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते हैं। तो गाइस फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।